पदाधिकारी आम्ही इथे जमलेलो आहोत. सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्या महाराष्ट्राला झालेली 50 वर्ष त्या अनुषंगाने पहिले सर्व सुजात जागरूक व न्याय प्रणालीला मानणारे नागरिक त्यांना शुभेच्छा देऊन इथे विचार काँग्रेसच्या विचाराला प्रचार करण्यासाठी आम्ही यावर उपस्थित आहोत. सर्वप्रथम आमचे सन्माननीय आदरणीय प्रेरणास्थान असलेले आमच्या अध्यक्ष श्री सोनियाजी गांधी यांनी जे आम्हाला आदेश दिलेले आहेत तिथे तिथे अन्याय होईल परिपाठवून जातो तिथे सत्यावर उतरा आणि न्याय हक्कासाठी लढा द्या. आज आम्ही इथे त्याच अनुषंगाने इथे उपस्थित झालेलो आहोत. जमलेले इथे जे मंडळी आहेत आज इथे आम्ही का आलेलो आहोत ते सांगतो. म्हणून पूर्वेला पिठागरला एक झोपडपट्टीवर जे आहे फार जुनी झोपडपट्टी कमीत कमी 15 ते 20 वर्ष असलेली तिथे रहिवासी असलेले त्यांच्याकडे 1995 किंवा त्याच्याही पूर्वीचे असलेले पुरावे जे होते जसे रेशन कार्ड जसे बिहारमध्ये मेन्शन केलेले आहे रेशन कार्ड वोटिंग लिस्ट लाईट बिल टेलिफोन बिल त्याच्यापैकी त्यांच्याकडे सगळे असलेले पुरावे अस्तित्वाचा पुरावा तर सरकारने जो जीआर काढलेला दस्तक्षर शोपी प्रोटेक्टेड तर त्याला या महानगरपालिकेने काळिंबापासून मानवतेला काळिंबा पाचलेलं का कृत्य या महानगरपालिकेने केलेलं आहे. त्या झोपड्या आणि बुलडोझर आणून सगळ्या देशातून ग्राउंड झिरो लेवल करून टाकलेल्या आहेत. त्याच्यात बऱ्याच लोकांना मारही लागला बरंच काही हे झालं. तसेच आमच्या आया बहिणीवर रस्त्यावर आलाय त्याच्यानंतर त्याच्याही पुढे जाऊन ही मंडळी फुटपाथवर जेव्हा राहत होती तर त्याही झोपड्या त्यांनी तोडून टाकल्या. आता या महानगरपालिकेला आम्ही सांगू इच्छितो जसा काही कोणी कार्य केलेलं आहे तसं आता मुंबईमधल्या ज्या सर्व झोपडपट्ट्या ज्या अनधिकृत असतील आणि फुटपाथवर असतील त्या त्यांनी तोडायला हवा. पहिले आम्ही आमचा न्याय हक्कासाठी मागणी करत आहोत त्यांना आपले घर मिळाले पाहिजे. कोण म्हणता देणार नाही त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज आंदोलन इथे करण्यात येत आहे. ते महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे रोजगार अध्यक्ष राकेश यांना मी विनंती करतो. राकेश शेट्टी आगे बढो. राकेश शेट्टी आगे बढो. राकेश शेट्टी आगे बढो. घर हमारे हक का. सबसे पहले यहाँ पे मधुकर मात्रे जी आए मैं उनका स्वागत करता हूँ. सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सेवा दल के अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष सबसे पहले उसके बाद अपने सामंत दोनों जो भाई है सामंत बंधु और उनके पिताजी भी आए हुए हैं. ये मुहिम जिसने चालू किया और जिसको ये मुहिम हम अंत तक ले जाएगी इसका मगर पूरा फर्स्ट टू लास्ट का श्रेय ये दोनों सामंत भाइयों को जाएगा. कोई बड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ बहुत साफ चीज कहूंगा. मैं एक ही मुद्दे के लिए आया हूँ कि आप लोग जो एक साल में तकलीफ हुआ है वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ. मैं वो दिन मधुकर मात्रे जी का ऑफिस बैठ के आप सबसे मिला हूँ. मुझे सबका डॉक्यूमेंट देखा है मैंने. सब लोग आप लोग लीगल हो 95 के पहले हो इसका आप लोग का हक कोई डीएमसी नहीं उसका बाप भी नहीं छीन सकता. इस तरह कांग्रेस का घोषणा है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है. वैसे मैं चाहूंगा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा बदल दो. शिवसेना बीजेपी के राज में लोग आए रोड पे 95 के पहले के लोग हैं. ये पूरा हक बनता है. जो लोग 2000 तक है उनको भी गवर्नमेंट अभी कोर्ट में चालू है. गवर्नमेंट ने तो कहा कि जो लोग 2000 से पहले है वो भी लीगल है उनको भी घर मिलना चाहिए. मगर फिर भी ये प्लॉट का इतिहास आपको पता है क्या है. ये प्लॉट एक गुप्ता क्या नाम है राधेश्याम गुप्ता अपना निजी इंटरनेशनल स्कूल बनाना चाहता है.
इसके कारण इनके लिए और 95 के पहले तो तमाम पूरे मुंबई के झोपड़पट्टी है सबको लव रोड पे। अगर इसी तरह है के सामने जिस दिन 27 मार्च 2009 में इन्होंने रिवोल्यूशन किया, बैंक भर के गुप्ता ने अपने बीएमसी ऑफिशियल्स को पैसा दिया, चाहता हूँ ये आम आदमी को कमजोर मत समझो, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी फर्स्ट से लास्ट तक इनका मदद करेगी और हम लोग हमारे लास्ट 17 तक आपके लिए न्याय दिलाने के लिए आपके खड़े रहेंगे। पुलिस ऑफिशियल्स का भी हमें शुक्रिया अदा करूंगा कि हमें उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया और परमिशन दिया है, नहीं तो कभी अपने हक के लिए मांगने आए तो ये लोग ही रुकाते। आज इन्होंने हम लोग को सबको साथ दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक होता है, यहाँ पे कोई मन से या शिवसेना नहीं है कि जाके तोड़फोड़ करे और पब्लिक की पैसा खराब करे। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कहना चाहता हूँ आप लोग बेफिक्र रहे, जो भी होगा शांतिपूर्वक होगा और जो भी लोगों के कारण आप लोग एक साल पे रोड पे आए उन सबको सस्पेंड करा के शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, उनके नेतृत्व के कारण आप रोड पे आए। शिवसेना बीजेपी को हमेशा कह रहे हैं ये प्लॉट का घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है, नगर सेवक आमदार सब इसमें मिली भगत है, सबको लाखों का करोड़ों का फायदा हो रहा है, इसलिए आप लोग वोट पे आज आप लोग का वोट डालते हैं तभी आप ये देखिए अगली बार जब वोट डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी को डालिए, वही असली गरीब के साथ है, बाकी गरीबों के साथ। और जो शिवसेना कहती है कि हम लोग मराठी माणूस के साथ है, ये महाराष्ट्र से आपने हाथ मिला है वो गुप्ता है, तो फिर आप आपके एजेंडा में किधर खड़े हो? महाराष्ट्र आदमी को रोड पे लेके आए, गुप्ता को वापस। मैं अभी यहाँ पे हमारे मात्रे साहब सेवा दल के अध्यक्ष सामंत बंधु के साथ वार्ड ऑफिसर को मिलने जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं उनको मिलने को, संजय गरज जी है वार्ड अध्यक्ष उनके साथ अंदर जा रहे हैं, उनसे बात करने वाले हैं। और ये आपको पूरे इससे आश्वासन देता हूँ और ये निश्चय कर लिया है मन में, जब तक जो भी एलिजिबल है 95 के पहले और 2000 के पहले उनको उनका हक का घर वो आप लोग को पक्का मिलेगा, उस पर कोई शक नहीं रखिए। और यहाँ पे आज जैसी तरह भाषण दिए बराबर एक महीने के बाद हाथ में अलॉटमेंट लेटर दूंगा और कांग्रेस के साथ तमाम कार्यकर्ता जो बांडोर से आए हैं अपने लोगों के साथ, मैं उनको शुक्रिया करता हूँ। कौन गरीब किधर पैदा होता है इसका कोई निश्चित नहीं है, कल आज जो पत्रकार है मैं हूँ ये है मात्रे साहब है, कल हमारा भी जन्म किधर झोपड़पट्टी में हो सकती है। हमने उस दिन रिवॉल्यूशन के टाइम सामंत बता रहा था एक नंगा बच्चा उसको धूप लग रही है, उसका छत उतार दिया है, रोड पे चल रहा है तो गर्म कैसे लगता है, तभी ये भाई साहब ने बताया ऑफिसर को कि कभी आपका भी जन्म ऐसे घर पे होगा आपका छत जब उतारेगा तभी आपको जो गर्म हो बच्चे को लगेगा तब आपको समझ में आगे। हमें कांग्रेस और भगवान पे पूरा भरोसा है, आप लोग के साथ अन्याय नहीं होगा, आपको आपका हक जरूर मिलेगा और पूरे डंके के चोट पे मैं कहता हूँ दिलाए बिना आप लोग छोड़ेंगे नहीं।